बादशाह की ओर से जय भीम बोले सलाम, और साक्षी को खास करके बादशाह की ओर से जय भीम बोले सलाम। जिस असरसन की भावना के साथ यहाँ पे खड़ी है वो काबिले तारीफ लाएगी। वो असरसन बताता है कि हम किसी से कमी साथियों, हम बादशाह और अम्बेडकर इस बात में बिलीव करता है कि ऑपरेस्ट की बात प्रिविलेज नहीं करें, ऑपरेस्ट की बात ऑपरेस्ट की आवाज़ उनकी होनी चाहिए। और ये विडम्बना ही है, और यह विडम्बना है कि मैं उनकी तरफ से बोलूँ, ये आवाज़ उनकी होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, फीमेल की होनी चाहिए, जो भी ऑपरेस्ट है उनकी होनी चाहिए, ये असरसन होता है। साथियों इस बात को देखने की जरूरत है, एक कैंपस जिस तरह कैंपस का जो भी है, जो समाज से यहाँ पे आते हैं, वो समाज से एक समाज की चेतना को, समाज की एक चेतना जो होती है, जो एक मानसिकता होती है, जो एक उन्नत विचारधारा होती है, वो यहाँ आते हैं। तो जेएनयू को समझने की ज़रूरत है कि आपकी ओर से पहल होनी चाहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन की। जब एडमिशन होता है तो आपको एक वर्कशॉप कराने से जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोवाइड होना चाहिए। जेएनयू से नहीं हो रहा है, सिर्फ जेएनयू तक नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम बहुत जरूरी है। सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन का भी प्रोग्राम ये कहीं नहीं होता है। आप इसे प्रोग्रेसिव दुनिया का, वर्ल्ड का, आप इंडिया का प्रोग्रेसिव कैंपस कहते हैं, ये कैसा प्रोग्रेसिव है आपका कि आप यहाँ पे सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम आपसे नहीं हो पा रहा है? किस बात का प्रोग्रेसिव, किस बात का आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हो? सिर्फ यह क्या, सिर्फ वर्कशॉप तक नहीं सीमित है, आपके सिलेबस में, किताबों के सिलेबस में तक जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात नहीं की जाती है। तो सेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस है आपके इस कैंपस में कहीं भी एक पहल के रूप में नहीं दिखती। यहाँ पे आके हम बातें कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं, लेकिन सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम सिर्फ बातों तक नहीं होनी चाहिए। सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम एक पहल के रूप में, एक संस्थानिक रूप से होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कमी दिख रही है। तो जेंडर से मैं जेनुइन से एक अपील करना चाहूँगा कि आप इस बात, आप अपनी ओर से पहल करें, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए वादे करें कि वो भी पहल करें, उसकी ओर से पहल होनी चाहिए। साथियों इस बात को समझना होगा कि ये कैंपस में जो भी जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वो महज एक घटनाएं के रूप में नहीं देखना चाहिए, कि सिर्फ पेट्रियार्की की बात नहीं है, ये ब्राह्मिनकल पेट्रियार्की है, ये स्ट्रक्चर वैसा है, ये प्रोसेस वैसा है, इस स्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए। ए वी पी है वो एक जिस तरह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का जो उनके अंदर जो ख्यालात हैं, जो सोच हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है। और इस बात के लिए मैं इस कैंपस के प्रोग्रेसिव जो स्त्री संगठन, उस बात से मैं उन पर विश्वास करना चाहूँगा कि आप इस बात के लिए मुखर तरीके से इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, ये ताकत होनी चाहिए। और इस बात के लिए तक होनी चाहिए कि ऑपरेस जो भी ऑपरेस्ट है उनकी बात प्रिविलेज नहीं करेगा, उनकी बात करेगा जो ऑपरेशन जो शोषित है वो, क्योंकि मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट प्रिविलेज से नहीं चलती, वो एक असरसन से चलती है, ऑपरेस्ट कम्युनिटी की असरसन से चलती है। इसी के साथ मैं फिर से साक्षी को पेश करूँ, जिस तरह से वहाँ पर खड़ी है उनको यह भी माहौल जो पेश करना चाहूँगा, और साथ ही इसी के साथ सारे जितने संगठन है इस बात के खिलाफ मुख्य तरीके से खड़े रहे हैं। जय भी माहौल जो सतरंगी सलाम।